नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हिंदू नववर्ष के अवसर पर कर्मश्री द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल हुए। चौहान ने लोगों का आह्वान किया कि वे प्रदेश में बेटियों के मान सम्मान बनाए रखने का संकल्प करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सबसे अग्रणी राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारों की बात करते हुए कर्तव्यों का भी पालन करें। उन्होंने आमंत्रित कवियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांजर कुई, मांजा खेड़ी, सुकरवास और बाकोट पहुंचकर जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले कृषकों के खातों में 16 अप्रैल को 200 रुपए क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस वर्ष 1735 रुपए क्विंटल मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून व्यवस्था की नई चुनौतियों और अपराधों के बदलते तरीकों और स्वरूपों को देखते हुए पुलिस प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चौहान मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर और सरताज सिंह के द्वारा की गई बयानबाजी से भाजपा हाईकमान नाराज है। सरताज ने कुछ दिनों पहले पार्टी में टिकट बेचे जाने का भी आरोप लगाया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अनुशासन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव पर हाईकमान गुड़ी पड़वा के बाद फैसला करेगा। अगले महीने से नगर निगम की पानी सप्लाई महंगी हो जाएगी। जो जितना अधिक पानी का उपयोग करेगा उसे उतनी अधिक राशि चुकाना होगी। नगर निगम ने नल कनेक्शनों में लगे मीटर की रीडिंग और स्पॉट बिलिंग करने का जिम्मा हैदराबाद की कंपनी मेसर्स एनालॉजिक्स टेक इंडिया और प्राइम वन वर्कफोर्स भोपाल को सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।